बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट फाइकस बेंजामिना स्टारलाइट। स्टारलाइट फाइकस भी कहते हैं इस प्लांट को। साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, लेकिन ये हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी कि एशिया में भी ये कॉमनली पाया जाता है और बहुत पॉपुलर प्लांट है। फाइकस की काफी वैरायटीज हैं, वैरायटीज पर मेरी ऑलरेडी वीडियो है जो आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है फाइकस की। इसके लीव्स वेरीगेटेड होते हैं क्रीम कलर और ग्रीन कलर में। इनकी वेरीगेशन होती है लीव्स में ही, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी नजर आती है ये वेरीगेशन। फाइकस को फुल सन पसंद होता है, पार्शियल शेड में भी अच्छे से चल जाता है और ज्यादा गर्मी के मौसम में जैसे जून जुलाई में धूप बहुत ज्यादा सख्त होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस मौसम में इसे जो है वो आप हल्की धूप में रखें। दरमियाना पानी चाहिए होता है इसे, ना ओवर वाटरिंग पसंद होती है ना अंडर वाटरिंग पसंद होती है। अगर आप फाइकस को इनडोर रखें तो इसे पानी जो है वो आपने कम देना है, इसे कम पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी देने की वजह से इसके लीव्स गलना शुरू हो जाते हैं और इसकी रूट रॉट भी हो जाता है और इसके लीव्स जो है वो येलो होके गिरना शुरू हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से। हमेशा पानी तब देना है जब सॉइल ड्राई हो। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी सॉइल ड्राई होगी तब आपने पानी देना है। ये देखें, इसकी सॉइल ड्राई थी, फिर उसके बाद मैंने इसे पानी दिया है। और जब आपने पानी एक दफा देना है तो फुल इसे जो है वो पानी देना है, और उसके बाद दोबारा तब पानी दें जब सॉयल बिल्कुल ड्राई हो जाए। फाइकस उन चंद प्लांट्स में से है जिनको जगह तब्दील करना पसंद नहीं होता, इसलिए जब आप इसे एक जगह पर रखें तो फिर आप इसे उस जगह पर स्टेबल होने दें, एक्लिमेटाइज होने दें उस एरिया से। और अगर आप बार बार इसकी जगह तब्दील करते रहेंगे तो इसके लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे और इसको जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा प्लांट। इसको जो है वो जगह तब्दील करना पसंद नहीं होता। वेरीगेटेड वैरायटीज जो है नॉर्मली फाइकस की वो स्लो ग्रो करती हैं, स्लो ग्रोअर होती हैं। गर्मियों के मौसम में, बहार के मौसम में और बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और सर्दियों में इसका डॉर्मेंट पीरियड होता है तब इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है और रुक जाती है। इस प्लांट को लॉन्स में बाड़ के तौर पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत कटिंग करके जो है वो इसको, इसकी डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं और इसको जो है वो फाइकस की दूसरी वैरायटीज के साथ जो है वो इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करेंगे तो इसे प्लांट फूड फर्टिलाइजर दिया जा सकता है इसके ग्रोइंग सीजन में डाइल्यूटेड फॉर्म में, पानी में मिला के आपने देना है। इसे जो है वो डायरेक्ट नहीं फर्टिलाइज नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट फर्टिलाइज करने से जो है ये ओवरडोज होने का खतरा रहता है और फर्टिलाइजर की ओवरडोजिंग जो है वो प्लांट्स को किल कर देती है। इसके डॉर्मेंट सीजन यानी कि विंटर में इसे फर्टिलाइज नहीं करना। आपने इसे हमेशा जब भी फर्टिलाइज करना है आपने इसके ग्रोइंग सीजन में करना है, यानी कि बहार के मौसम में, बारिश के मौसम में या गर्मियां शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले। इस प्लांट को आपने एयर कंडीशनर में भी नहीं रखना, कूलर के सामने भी नहीं रखना, या हीटर वाले रूम में भी आपने सर्दियों में इसे नहीं रखना, वरना जो है वो ये खराब होना शुरू हो जाएगा और इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, वहां पे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और फिर जगह बार बार इसकी मत चेंज करें, एक जगह पे रख दें और वहां पे इस प्लांट को स्टेबल होने दें। सॉइल की अगर हम बात करें तो इसे वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है, सैंडी सॉइल पसंद होती है। अगर जब भी आप इसका पॉटिंग मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें आप बालू मिट्टी के साथ सैंड 70-30 के कॉम्बिनेशन से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो वेल ड्रेनेज सॉइल जो है वो मयसर ना हो तो आप कोकोपीट पर लाइट और कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं अपना पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए, सॉइल मिक्सर बनाने के लिए, और उसमें भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी इस खूबसूरत प्लांट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।